शराब के प्याले के साथी बने मित्र की पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले एक आरोपी को जीआरपी पुलिस की टीम ने नागपुर रेलवे स्टेशन के मुंबई ट्रैक से सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिनेश सदाफुले उम्र 30 वर्ष कॉटन मार्केट में हमाली का काम करता है। वह अपने मृतक दोस्त छत्तीसगढ़ निवासी जितेंद्र के साथ गुरुवार रात करीब 10 बजे के दरमियान नागपुर रेलवे स्टेशन के नागपुर इटासी ट्रैक पर साथ बैठे दारू पी रहा था। इसी बीच मृतक ने आरोपी की भाई की बेटी और उसकी माँ के नाम पर आरोपी को गाली दी। इस बीच दोनों में विवाद भी हुआ। इसके बाद मृतक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाकर सो गया। इस बीच गुस्सा आरोपी ने करीब रात के 2 बजे मृतक के पास पहुंचकर उसके ऊपर 20 से 25 किलो के एक पत्थर को दे मारा, जिसके नीचे कुचलकर मृतक की मौत हो गई। वहीं करीब 2:30 बजे के दरमियान जीआरपी पुलिस जब गश्त कर रही थी, तभी उन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खून से लथपथ मृतक का शव दिखाई दिया, जिसके हाथ पर मुस्कान लिखा हुआ था। इस बीच जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो फुटेज में आरोपी नागपुर मुंबई ट्रैक पर छिपता दिखाई दिया। उसके बाद जीआरपी पुलिस की टीम ने आरोपी को ढूंढकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पुलिस कर रही है। नागपूर रेलवे स्टेशन चा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4-5 जो इटारसी एंड आहे, त्या ठिकाणी रात्री आमचे प्लॅटफॉर्मचे पेट्रोलिंगचे कर्मचारी पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना एक इसम रक्तबंबाळ अवस्थेत पडलेला दिसला आणि त्याच्या डोक्याला मार असल्याचं समजलं। त्यावरून त्यांनी तत्काळ आमच्या ठाणे अमलदाराला माहिती दिली, अधिकाऱ्यांना माहिती दिली, एनसीबीला माहिती दिली आणि सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले। तर त्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ह्या मयत इसमाला एक इसम मोठा दगड जवळपास 23 किलो वजनाचा सिमेंटचा ब्लॉक डोक्यामध्ये टाकताना दिसून आलेला आहे। मयताला तत्काळ उपचार कमी मेयो दवाखान्यात हलवण्यात आलं। त्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना मयत घोषित केलं। जेव्हा जवळपास 3:45 सुमारास आमच्या पेट्रोलिंगच्या कर्मचाऱ्यांना ही घटना निदर्शनास आली, परंतु सीसीटीव्हीमध्ये जेव्हा बघितलं तर 2:40 दरम्यान या मयत इसमाला आरोपीने मारलेला आहे। जेव्हा सीसीटीव्ही फुटेजवरून आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं, त्यावेळेला आरोपीने अशी माहिती दिली की सायंकाळी रात्री 10 वाजेच्या सुमारास त्यांच्या दोघांमध्ये बाचाबाची झालेली होती। मयत इस्माने आरोपीला त्याची पुतणी आणि बहीण आई यांच्या नावाने शिवीगाळ केलेली होती आणि त्या शिवीगाळचा राग त्याच्या मनात असल्यामुळे त्यांनी त्या रागाच्या घरामध्ये त्याच्या डोक्यामध्ये दगड टाकलेला आहे आणि दगड टाकल्यानंतर तो इटारसी एंडकडून मुंबई एंडकडे जाऊन बसलेला होता। सीसीटीव्ही फुटेजवरून आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। NBCN News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।